हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द बर्ड्स द बर्ड्स एक कॉमेडी है जिसे लिखा है एंशंट ग्रीक प्ले राइट अरिस्टोफनीस ने इस कॉमेडी को 414 यानी 414 यानि सौ में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था इस प्ले के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिसमें नंबर वन पर है पथटारस जो कि मेन कैरेक्टर है इस प्ले का उसके बाद है योलेपिटिस जो कि पिथेरस का दोस्त है नंबर थ्री पर है ई पॉप्स और होपी बर्ड जो कि पहले एक बादशाह था और बाद में एक परिंदा बन गया उसके बाद है जो ईपॉप्स और होपी बर्ड का गुलाम है देन है प्रोमिथियस यानी गॉड ऑफ फायर उसके बाद है हिरोलीस यानी जियस का बेटा देन है पोजाइडन गॉड ऑफ सीज और उसके बाद है कोरस तो ये कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर अब इस प्ले की हम समरी पढ़ लेते हैं या स्टोरी जिसे कहेंगे हम और उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे द बर्ड्स बाय अरिस्टोफिनि दो दरमियाने कद के आदमी जिनका नाम है पेटेरस और योलेपिडिस वो अपने दो परिंदों यानी दो कव्वों के साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं परिंदे उन्हें जंगल में रास्ता दिखाने के लिए साथ जाते हैं दोनों आदमी एथेनियन हैं और वो शहरी जिंदगी से तंग आकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं वो एक आदमी की तलाश में निकलते हैं जिसका नाम है चेरस जो थ्रेशियन किंग था और अब वो एक परिंदे में बदल गया है अब उसका नाम है ई और होपी बर्ड दोनों आदमियों को लगता है कि हॉपी बर्ड उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद कर सकता है वो जंगल में भटकते हुए एक बड़े परिंदे से टकराते हैं जिसका नाम है ट्रोकिलस ट्रोकिलस ई पॉप्स हॉपी बर्ड का गुलाम है पिथैरस और योलिपडिस उसे बताते हैं कि वो एथेंस से हैं और एथेंस को छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में इधर आए हैं वो भी परिंदे बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिंदे परेशानियों से दूर रहते हैं यह सुनकर ट्रोकुलस उन्हें ई पॉप्स के पास ले जाता है और वो उन्हें ई पॉप से मिलवाता है ईप पॉप यानी होपी बर्ड उन्हें मुख्तफ जगहों के बारे में बताता है जहाँ वो आसानी से रह सकते हैं लेकिन दोनों आदमियों को वह जगह पसंद नहीं आती उसके बाद पथटायरस को एक आइडिया आता है और वो होपी बर्ड को परिंदों के लिए एक शहर बनाने का कहता है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में होगा और जहाँ से वो इंसानों और खुदाओं को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि पतिटायरस खुदाओं को भूखा रखना चाहता है होपी बर्ड को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तमाम परिंदों को इकट्ठा करता है परिंदे दोनों आदमियों को देख कर हमला करने का सोचते हैं क्योंकि उन्हें इंसान अपने दुश्मन लगते हैं लेकिन होपी बर्ड उन्हें रोक देता है उसके बाद पिचटैर उनसे बात करते हुए कहता है कि परिंदे खुदाओं और इंसानों से पहले इस दुनिया में आए थे इसलिए उन्हें इस दुनिया पर हकूमत करनी चाहिए वो उन्हें मुख्तु कहानियां सुनाकर रजामंद करने की कोशिश करता है परिंदे की बात सुनकर के पास जाते हैं और उसे सरेंडर करने का कहते हैं वो उसे धमकाने की भी कोशिश करते हैं उसके बाद वो इंसानों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो खुदाओं की जगह परिंदों की पूजा करें अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो परिंदे उनकी फसलें तबाह कर देंगे होपी बर्ड दोनों आदमियों यानी पिथ और योलोप को एक ख़ास जड़ी बूटी खाने का कहता है जिससे वो परिंदे बन जाएंगे जड़ी बूटी खाने के बाद दोनों आदमी आधे इंसान और आधे परिंदे बन जाते हैं पथटैरस और यूलिपडीज शहर बनाना शुरू कर देते हैं और शहर का नाम रखते हैं क्लाउड कुकुलैंड। पथटैरस शहर के अफ्ताह के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी करता है उसके बाद एक मैसेंजर आकर बर्ड को बताता है कि शहर मुकम्मल बन चुका है देन दूसरा मैसेंजर आता है और वो होपीबर्ड को बताता है कि जियस ने अपनी बेटी यानी आयरस को शहर में जासूस के तौर पर भेजा है ताकि वो शहर पर नज़र रख सके सुनकर पथटैरस आयरस की बहुत इंसल्ट करता है और उसे वापस भेज देता है उसके बाद एक तीसरा मैसेंजर पथटैरस के पास आता है और उसे बताता है कि बहुत से लोग परिंदे बनने के लिए शहर में आ गए हैं पथटैरस उनके पास जाता है वो कुछ लोगों को वापस भेज देता है और कुछ को परिंदे बना लेता है अब प्रोमिथियस यानी गॉड ऑफ फायर शहर में दाखिल होता है वो एक मास्क पहनकर आता है ताकि जियस उससे पहचान ना ले वो पथटैरस से मिलता है और उसे बताता है कि सब खुदा भूखे हैं क्योंकि इंसानों की कुर्बानियाँ उन तक नहीं पहुँच रही इस सिलसिले में जियस कुछ मैसेंजर्स को पथटैरस के पास भेजेगा ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके प्रोमिथियस पिटिटारस से कहता है कि वो दो शर्तें ज़ियस के सामने रखेगा पहली ये कि सब खुदा परिंदों की इज्जत करेंगे और दूसरी ये कि ज़ियस अपना सेप्टर यानी असपिटिटारस को दे देगा और विदटारस की शादी अपनी बेटी बेसेलिया से करवा देगा इस तरह से पिटिटारस के पास पूरी पावर आ जाएगी और वो दुनिया पर हुकूमत करेगा ज़ियस अपने तीन एंबेसडर्स को पिटिटारस के पास भेजता है एक है पोजाइडन यानी गॉड ऑफ द सीज दूसरा है हेरेकलीस यानी जियस का बेटा और तीसरा है ट्रेबलस यानी गॉड ऑफ ट्रेबिलियंस तीनों एम्बेसडर्स पिचटेरस के पास आते हैं और उसे अमन कायम करने का कहते हैं पिचटेरस उनके सामने अपनी शराइ रख देता है वो शराइ लेकर जियस के पास जाते हैं जियस उसकी तमाम शराइ मान लेता है और कहानी पिथटेरस की शादी की पार्टी पर खत्म हो जाती है तो ये था प्ले द बर्ड्स बाय अरिस्टोफिनि स्टोरी हमने पढ़ ली अब हम इसका एनालिसिस करते हैं एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लॉट कंस्ट्रक्शन प्लॉट के अंदर नंबर वन पर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं पेथरस और योलोपीडीज शहर छोड़कर परिंदों की दुनिया की तरफ चले जाते हैं और वो रस्ते में ट्रॉकिलस से मिलते हैं जो कि ईपॉप्स का गुलाम है इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है राइजिंग एक्शन राइजिंग एक्शन में हम देखते हैं कि ई e पॉप्स जो है वो पिथटारस और योलेपडिस से मिलता है उसके बाद पथटारस ई पॉप्स को शहर बनाने का आइडिया बताता है देन ई e पॉप्स दोनों आदमियों को परिंदों से मिलवाता है उसके बाद पथटैरस और योलेपिडिस जो है वो परिंदों में बदल जाते हैं और शहर को मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद प्रोमिथियस शहर में दाखिल होता है और वो पथटैरस से मिलता है देन आता है क्लाइमैक्स जियस अपने तीन एम्बेसडर्स को पैथैरस के पास भेजता है उसके साथ सारे मामलों हल करने के लिए देन आता है फॉलिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन में हम देखते हैं कि एम्बेसडर्स जियस के पास वापस जाते हैं और उसके सामने पैथैरस की तमाम शराइ को रख देते हैं और लास्ट में हम देखते हैं रेजोल्यूशन जिसमें हम देखते हैं पथटैरस को वो जियस की बेटी से शादी कर लेता है और हुक्मरान बन जाता है तो ये है प्लॉट अब हम डिस्कस करेंगे थीम्स इस प्ले के अंदर कौन कौन से थीम्स हैं नंबर वन पर है द डिजायर फॉर पावर पावर हासिल करने की ख्वाहिश द कंसेप्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर इज प्रेवलेंट थ्रू आउट बर्ड्स पूरे प्ले के अंदर हम इस थीम को देखते हैं अरिस्टोफेनेस क्लेवरली पॉइंट्स आउट हाउ पीपल कैन इजीली मैनिपुलेट अदर्स विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग पावर द आयरनी ऑफ द स्टोरी इज दैट द मैन बिल्ड सिटी बर्ड्स दैट देव टू हैव पावर ओवर द गॉडस एंड मैन काइंड पिथैरस और योलिपडीज परिंदों को कन्विंस करते हैं कि वो खुदाओं और इंसानों से बढ़तर हैं इसलिए उन्हें आसमान और जमीन के दरमियान एक शहर बनाना चाहिए अरिस्टोफेज अंडर स्कोर्स दिस कॉन्सेप्ट बाई शोइंग हाउ इजीली दर्ड्स डिजायर चेंज फ्राम वॉन्टिंग टू टीयर अ पार्ट एंड किल्डिडिसम कि परिंदे जैसे ही इंसानों को देखते हैं तो वो उन्हें अपना दुश्मन समझते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन होपी बर्ड रोक देता है उसके बाद जब पिथैरस कुछ स्पीचिस करता है तो वो परिंदों को कन्विंस कर लेता है और परिंदे उसके साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं कंटिन्यूज कंटिन्यूस पावर हंग्री एंड पावर बिल्डिंग वेस द सिटी इज बिल्ड बाई ब्लॉकिंग द गॉड्स फ्रॉम रिसीविंग सेक्रीफाइसिस फ्रॉम मैन काइंड एंड फोर्सिंग मैन काइंड टू वर्शिप द बर्ड्स कि पिथरस अपने जो प्लान है उसमें कामयाब हो जाता है कि वो खुदाओं तक इंसानों के जो सेक्रीफाइसिस हैं वो पहुँचने से उन्हें रोक लेता है इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले द मैन आर एस्केपिंग एथंस बिकॉज देट पावर मॉन्गरिंग अरिस्टोक्रेट्स वेन द करोजिज पिथैरस डज अ कंप्लीट रिवर्सल He he becomes the pinnacle of what he originally claims is the reason he is leaving Athens. प्ले के शुरू में हम देखते हैं कि से और शहर से तंग आकर परिंदों की दुनिया में जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिंदे पावर से फ्री हैं आजाद हैं लेकिन वो खुद शहर बनाते हैं और वो ही सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम देखते हैं फर्स्ट थी द डिजायर फॉर पावर सेकेंड थीम है हिपोक्रेसी जिसे हम मुनाफकत कहते हैं उर्दू में सेटाया इज फाउंड इन एवरी रिटर्न वर्क ऑफ अरिस्टोफिनिज अरिस्टोफिनिज के तमाम कामों के अंदर जो वर्क्स हैं उनके अंदर हम सटायर यानी तंस को देखते हैं एंड द बर्ड्स इज नो एक्सेप्शन वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ सटायर इज टू एग्जाजरेट द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू पॉइंट आउट हाउ स्टिली दैट बिहेवियर इज यस सटायर को एग्जैजरेशन को यूज ही दूसरों पर تنقید करने के लिए किया जाता है वन वे टू एग्जैजररेट इज टू यूज ब्लैटेंट हाइपोक्रेसी व्हिच इज व्हेन समवनस बिलीव्स एंड वर्ड्स अल्टीमेटली डोंट मैच देयर बिहेवियर्स कि किस तरह से एग्जैजरेशन को यूज किया जाता है उन लोगों की तरफ इशारा करने के लिए जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं

The hypocrisy of this belief is put on full display when Pythagoras and इज build a city in which mankind must bow down and pay homage to them। कि इंसानों को उनके सामने झुकना होगा वो शहर बनाते ही इसलिए हैं ताकि इंसान उनके सामने झुके और उनकी इबादत करें उनकी पूजा करें एंड एवरी मन मस्ट वर्शिप birds एंड द गॉड्स पावर से बचने के लिए और पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं नया शहर बनाकर ताकि वो इंसानों और खुदाओं पर हकूमत कर सकें द अब्सर्डिटी कैन बी in इन द एग्जाम्पल ऑफ अ leaving लिविंग स्विमिंग पूल बिकॉज दे हेट द water. ओनली टू जम्प इंटू अ लेक इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई इंसान पानी से नफरत करता हो और वो स्विमिंग पूल से बचना चाहता हो उसे स्विमिंग पूल को छोड़ना चाहता हो क्योंकि वो पानी से नफरत करता है लेकिन वो एक लेक में फिर जंप कर दे तो ये है सेकेंड थीम हिपोक्रेसी थीम्स के बाद हमारे पास है सिंबल्स सिंबल्स कौन कौन से हैं प्ले के अंदर उसमें नंबर वन पर है सेप्टर. जीएस के पास जो सेप्टर है जो अस्सा है वो फर्स्ट सिंबल है लाइटिंग बोल्ट सेप्टर ऑफ जीएस जीएस के पास जो असा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता था एंड नो वन वॉज मोर पावरफुल देन जीएस

टेक्स द्रोन एंड द सेप्टर विच मीन ही इज नाउ द अल्टीमेट पावर कि वो थ्रोन तो हासिल कर लेता है लेकिन उसके साथ साथ सेप्टर वो असा भी हासिल करता है पावरफुल होने के लिए तो ये फर्स्ट सिंबल है सेप्टर सेकंड सिंबल है क्राउन एंड विंग्स वेन पिथायरस एंड योलिपडीज आर पार्शियली ट्रांसफॉर्म्ड इन बर्ड्स दे स्टिल रिटेन अ मेजर पार्ट ऑफ देअर फिजिकल ह्यूमन फॉर्म परिंदे बनने के बाद भी उनके अंदर इंसानों की खसूसियात रहती हैं ई पॉप ट्राइज टू टर्न दम इंटू बर्ड्स बट इट अल्टीमेटली वर्क अ पर्सन द बर्ड सिटी विंग्स बट दे ऑल्सो रिटेन मोस्ट ऑफ देर ह्यूमन फॉर्म के जो लोग भी बाद में आते हैं परिंदे बनने के लिए उनको पर तो मिल जाते हैं लेकिन उनके अंदर इंसानों की खसूसियात भी रहती हैं

कि इंसान जो कुछ भी बनना चाहे उसके पास्ट का एक हिस्सा उसके साथ रहता ही है इट इज द सिंबल ऑफ ओरिजिनिटी टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इन टू सम जो चीज आप नहीं हैं, जब आप उसके अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं तो जो आप पहले थे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके साथ रहता है तो ये है सेकंड सिंबल और थर्ड और लास्ट सिंबल है बर्ड्स द बर्ड्स इन द स्टोरी आर आ सिम्बल ऑफ एलिवेशन एंड सुपेरियोरिटी के वो बर्थरी को वो किस चीज को प्रजेंट करते हैं अपनी बर्थरी को अपनी सुपेरियोरिटी को दे फ्लाई हाई अबव द अर्थ एंड लुक डाउन ऑन ऑल ऑफ मैन काइंड के वो आसमान में उड़ते हैं और इंसानों को देखते हैं अपने से नीचे पिथारस में ओरिजिनली सीम लाइक हम्बल मैन हु वॉन्ट्स नथिंग मोर दे टू एस्केप द टैक्से एंड ग्रीड ऑफ द सिटी बट इज डिज़ायर टू ज्वाइन द बर्ड सिंबलाइज इज अ डिफरेंट डिज़ायर क्या हम शुरू में देखते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो शहर को इसलिए छोड़ते हैं कि वो पावरफुल लाइफ से तंग आ गए हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उसी चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं बट दैरस फील्स ही इज बेटर देन हिज फैलोमैन एंड वॉट बेटर बींग टू वॉन्ट टू बिकम

एंड बिल्डिंग अ सिटी इन द द क्लाउड दैट सिट्स अपनी बर्तरी हासिल करने के लिए वो एक शहर बना देता है जहां वो आसमान और जमीन के दरम्यान में होता है ताकि वो सबसे बढ़तर हो सके अपनी पावर शो करने के लिए हिस डिजायर कंटिन्यूज टू ग्रो एंड ही अल्टीमेटली बर्ड्स डी थ्रोस एंड सिट्स ऑन द वर्ल्ड थ्रोन वेयर ही कैन लुक डाउन ंग वो पावर का एंड दर्जे तक जाता है और उसे हासिल कर लेता है और सबसे पावरफुल बन के रहता है तो ये है थर्ड और लास्ट सिंबल। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस